ये है एक ट्रक और इसमें है सोन द पॉटी बॉय। ये एक ट्रक के ड्राइवर और इस ट्रक में है सोन द पॉटी बॉय के घर का सारा सामान, जैसे कि अलमारी, टीवी, सोफा, बेड। सोन द पॉटी बॉय के घर के सारे फ्रिज और वॉशिंग मशीन, इसके अलावा बहुत सारे सामान। पर आप लोग सोच रहे होंगे सोन द पॉटी बॉय सारा सामान लेके कहाँ जा रहा है। सोन द पॉटी बॉय ने कुछ दिन पहले ही एक नया घर खरीदा है, क्योंकि वो पहले रेंट पे रह रहा था और उसे ये नया घर बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रहा था, जिस वजह से उसने ये नया घर खरीद लिया है। और अपने घर का सारा सामान लेके वो नए घर में शिफ्ट होने जा रहा है, लेकिन इस बारे में अभी गुल्ली बिल्ली को नहीं पता है। और ड्राइवर साहब भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है। और अब सोन द पॉटी बॉय ड्राइवर साहब के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद सोन द पॉटी बॉय ड्राइवर साहब के साथ अपने नए घर की तरफ आ जाता है और एक घंटे बाद वो अपना सारा सामान अपने घर में शिफ्ट कर लेता है। ये घर देखने में अंदर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अंदर आने के बाद तो सोन द पॉटी बॉय बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, क्योंकि ये वाला घर इसे बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल गया है। लेकिन ये नहीं जानता कि ये घर इसे सस्ते में क्यों मिला है। सोन द पॉटी बॉय को अपना दिमाग लगाना चाहिए कि इतना अच्छा घर उसे सस्ते में क्यों मिला। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी और इस गड़बड़ के बारे में सोन द पॉटी बॉय को बाद में पता चलेगा। फिर सोन द पॉटी बॉय वहीं सोफे पर बैठ जाता है और टीवी चला के देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है क्यों ना गुल्ली बुल्ली को भी यहाँ पे बुला लिया जाए और उसे अपना नया घर दिखा के चिढ़ाया जाए, क्योंकि ये वाला घर तो गुल्ली बुल्ली के घर से बहुत ज़्यादा सुंदर है। और सोन द पॉटी बॉय गुल्ली बुल्ली से मज़े लेना चाहता है, इसलिए वो तुरंत गुल्ली बुल्ली को फ़ोन लगा देता है और उसे अपने नए वाले घर पे बुला लेता है। जब गुल्ली बुल्ली को सोन द पॉटी बॉय के नए घर के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत अपनी गाड़ी लेके सोन द पॉटी बॉय के नए घर पे आ जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों घर के अंदर आ गए हैं और वो घर का नज़ारा देख रहे हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर गुल्ली बोलता है, अरे वाह सोन द पॉटी बॉय, तुमने तो बहुत मस्त घर खरीदा है और ये घर तो लगता है कई करोड़ों का होगा, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए। सोन द पॉटी बॉय कहता है, अरे बड़ू अपन के पास बहुत पैसा है बड़ू, अपने पास तो नोटों की गड्डी है गड्डी, ये घर क्या ऐसे चार घर खरीद सकता हूँ बड़ू, टेंशन नहीं लेने का बड़ू, टेंशन नहीं लेने का। बुल्ली समझ जाता है कि सोन द पॉटी बॉय लंबी लंबी फेंक रहा है। फिर बुल्ली कहता है, रुक अभी इनकम टैक्स वाले को फ़ोन करता हूँ, बहुत पैसा है ना तेरे पास। फिर सोन द पॉटी बॉय कहता है, अरे नहीं भाई भाई सॉरी सॉरी भाई, मजाक कर रहा था मैं तो, अरे भाई ये वाला घर तो मुझे ऐसे ही सस्ते में मिल गया था इसलिए मैंने ले लिया। फिर बुल्ली बोलता है, ये घर तो काफ़ी महंगा है, फिर तुम्हें सस्ते में कैसे मिल गया, ज़रूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर सोन द पॉटी बॉय कहता है, अरे भाई कहाँ तुम टेंशन ले रहे हो, गड़बड़ गड़बड़ सोच रहे हो, अरे नया घर है, पार्टी करो, टीवी देखेंगे, फिर आराम से मस्ती करेंगे, फिर आराम से एसी में टांगे फैला के सोएंगे, यार कहाँ तुम टेंशन ले रहे हो, चलो आके आराम से टीवी देखते हैं। इतना कहने के बाद तीनों सोफे पे बैठ जाते हैं और टीवी देखने लगते हैं। लेकिन इन तीनों को नहीं पता कि इस घर के एक कमरे में एक बहुत डरावनी चुड़ैल रहती है और इस चुड़ैल की वजह से ही ये घर सोन द पॉटी बॉय को इतने सस्ते में मिल पाया है। और थोड़ी देर बाद ही इन तीनों को पता चलने वाला है कि इस सस्ते घर में रहने का क्या अंजाम हो सकता है। काफ़ी देर टीवी देखने के बाद सोन द पॉटी बॉय कहता है, चलो यार मैं तो सोने जा रहा हूँ, एक काम करना तुम दोनों इस वाले बेड पे सो जाना और उस वाले रूम में जाके ठंडी ठंडी एसी का मजा लूँगा, ठीक है ना गुल्ली बुल्ली। फिर बुल्ली कहता है, ठीक है सोन द पॉटी बॉय तुम जाके सो जाओ, हम दोनों थोड़ी देर और टीवी देखेंगे क्योंकि बहुत बढ़िया एपिसोड आ रहा है और उसके बाद हम दोनों सोएंगे। सोन द पॉटी बॉय कहता है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ सोने, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। इतना कह के सोन द पॉटी बॉय वहाँ से उठ जाता है और दूसरे वाले कमरे की तरफ चला जाता है।
जब वो दूसरे वाले कमरे में आता है तो वो देखता है कि ये वाला कमरा भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और वो मन ही मन में सोचता है, यार सौंदा पोटी बॉय, तेरे तो लॉटरी लग गई, इतने सस्ते में इतना बढ़िया कमरा मिल गया और इतना अच्छा घर मिल गया, तेरे तो मज़े आ गए। फिर उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ती है और वो दीवार पर चुड़ैल वाली फ़ोटो देख लेता है। फिर वो सोचता है, अरे ये तो फ़ोटो ही है, कोई डरने वाली बात नहीं है, और इतना कहने के बाद बेड पर जाके सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। और साथ ही साथ वो लैपटॉप वाली टेबल भी हिलने लगती है। ये सारी आवाज़ सुनने के बाद सौंदा पोटेबा तुरंत उठता है और उस लैपटॉप वाली टेबल के पास जाता है। टेबल के पास आने के बाद जैसे वो टेबल खोलता है तभी वो टेबल के अंदर घुस जाता है। इस टेबल ने सौंदा पोटी बॉय को खींच के अपने अंदर घुसा लिया है और एकदम छोटा बना दिया है। सौंदा पोटी बॉय को इतना छोटा बना दिया है कि उसे कोई भी देख नहीं सकता, और अब सौंदा पोटी बॉय बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और इधर उधर देख रहा है कि इस टेबल में से कैसे निकला जाए और गुल्ली बुल्ली को किस तरह से यहाँ पर बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद वो टेबल का दरवाज़ा बंद हो जाता है और सौंदा पोटी बॉय उसके अंदर ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली पूरा शो देख चुके हैं, और फिर गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मैं जाके सौंदा पोटी बॉय से पूछता हूँ। इतना कहने के बाद गुल्ली भी उस वाले रूम की तरफ चला जाता है जिसमें सौंदा पोटी बॉय सोया था। जैसे गुल्ली रूम के अंदर आता है तो उसे रूम के अंदर कुछ अजीब गरीब सा लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो इधर उधर सौंदा पोटी बॉय का देखता है, लेकिन सौंदा पोटी बॉय गुल्ली को कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर उसकी नज़र उसी लैपटॉप वाली टेबल पर पड़ती है और वो सोचता है शायद इस टेबल के अंदर कोई मेडिसिन पड़ी हो, और वो उस टेबल के पास चला जाता है। टेबल के पास जाने के बाद जैसे वो डोर को खोलता है उसे मेडिसिन सामने दिखाई दे जाती है, लेकिन उसे सौंदा पोटी बॉय नहीं दिखाई दे रहा। सौंदा पोटी बॉय वहीं पास में ही खड़ा है और वो आवाज़ लगाता है, गुल्ली भाई देखो जरा नीचे, गौर से देखो गुल्ली भाई, मुझे बचाओ गुल्ली भाई, गुल्ली गुल्ली। लेकिन गुल्ली को सौंदा पोटी बॉय की आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि सौंदा पोटी बॉय बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। तो क्या दोस्तों, गुल्ली सौंदा पोटी बॉय को देख पाएगा और उसे बचा पाएगा, या फिर गुल्ली भी छोटा होके इसी टेबल के अंदर घुस जाएगा? और गुल्ली को सौंदा पोटी बॉय और गुल्ली के बारे में कैसा पता चलेगा, ये सब देखेंगे हम अगले पार्ट में। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप भी गुल्ली बुल्ली को पसंद करते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और आप जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये हैं कुछ प्यारे से कमेंट जो आपने पिछली वीडियो पे किए थे।